नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा कोटा के दौरे पर रहे और दौरे पर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ अपने विभाग की समीक्षा बैठक में भाग लिया। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता में कहा कि हाड़ौती में किसानों को जल्द 17 मंडियों की सौगात मिलेगी, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में फायदा होगा, जबकि एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी का विस्तार भी किया जाएगा। इससे पहले मंत्री मुरारी लाल मीणा के कोटा पहुंचने पर कुन्हाड़ी पेट्रोल पंप पर उनका भव्य स्वागत किया गया। धौलपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सदर थाना पुलिस ने खनपुरा मोड़ पर हाईवे पर लूट की योजना बनाते हुए दो आरोपियों के साथ एक बालक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक 315 बोर का वैध कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और साइकिल की चेन भी बरामद की है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि बाड़ी रोड खानपुरा मोड़ के पास 3 बदमाश हाईवे पर लूट की वारदात की योजना बना रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा करेड़ा पहुंचे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करेड़ा, पीएचसी रामपुरिया और नारेली का शिलान्यास किया। जानकारी के अनुसार करेड़ा में 4 करोड़ की लागत से बनने वाला सीएचसी में 50 बेड के साथ अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। वहीं कार्यक्रम में कोविड हेल्थ वर्कर भी पहुंचे, जिन्होंने चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कोविड हेल्थ कर्मियों को देखकर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और चिकित्सा मंत्री से मिलने नहीं दिया। भीलवाड़ा के करेड़ा उपखंड मुख्यालय पर ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन हुआ। मेले में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। वहीं करेड़ा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रभा अवतार ने बताया कि मेले में 2050 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। साथ ही मेले में 101 लोगों को निःशुल्क दवाइयां दी गई है। वहीं 788 लोगों की खून की जाँच की गई और 65 लोगों के एक्सरे किए गए। धौलपुर में एसपी नारायण टोगस ने असामाजिक तत्वों और मनचलों पर कार्रवाई के लिए महिला शक्ति दल की टीम को स्कूलों के बाहर भेज दिया। वहीं स्कूलों के बाहर जब महिला पुलिसकर्मी जगह जगह खड़ी दिखाई दी तो इन्हें देखकर कई मनचले दबे पैर वहां से खिसक निकले। महिला शक्ति दल में कमांडो ने घर जा रही छात्राओं से परेशान करने वाले युवकों के बारे में जानकारी ली और छात्राओं को अपने मोबाइल नंबर भी दिए। पुलिसकर्मियों ने छात्राओं से कहा कि अगर उन्हें कोई भी परेशान करे तो वे उन्हें तुरंत गोपनीय स्तर पर सूचना दें, जिसके बाद पुलिस परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। प्रतापगढ़ के अरनोद में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत मंडल क्षेत्र में आने वाले सभी जीएसएस पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विभाग का घेराव किया, साथ ही विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बिजली कटौती के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। अजमेर जिले के रामगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रामगंज थाना पुलिस ने आईपीएस सुजीत शंकर के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा जिले के कारोई में अघोषित बिजली कटौती, किसानों की कर्ज माफी पर वादा खिलाफी, बढ़ती महंगाई, बढ़ते दुष्कर्म सहित कई मुद्दों को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने कार्यालय पहुंचे, जहां कारोई मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने रायपुर सहाड़ा पूर्व विधायक डॉक्टर बालूराम चौधरी के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बारां जिले के नेशनल हाईवे पर आईआरएडी डाटा का माध्यम से जॉइंट इंस्पेक्शन का कार्य जारी है। दुर्घटना स्थान पर घटित ब्लैक स्पॉट, जहां अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके तहत अटरू रोड NH-70 का टीम द्वारा जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया। वहीं जिला रोल आउट मैनेजर ने बताया कि 12 से अटरू रोड पर इंस्पेक्शन के दौरान पुलिस डिपार्टमेंट से सर्किल ऑफिसर DYSP सोजीलाल मीणा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से DTO शामिल रहे। धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र के गांव कुदिन्ना में एक भांजे ने मामा के साथ मारपीट कर गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली युवक की बाई पैर की जांघ में धसी हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहीं ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने घायल की गंभीर हालत को देख प्राथमिक उपचार देकर धौलपुर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है।
वहीं बसईडांग थाने के हेड कांस्टेबल राकेश कुमार यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव कुदिन्ना में फायरिंग होने की थाने पर सूचना मिली थी, जिस पर वह मैं जाप्ता गांव कुदिन्ना पहुंचे और मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली, साथ ही घटना स्थल का मौका मुआयना किया। मैं पूजा के लिए जा रहा था, पूजा के लिए जा रहा था तो रास्ता में गजपुरा के किराए पे से मुझे एक हाई ले गई पंजाब कल्लू राधे उबर और प्रेम सिंह और रंगी। अच्छा, इतने जगह वो तीन मोटरसाइकिल से जबरदस्ती से मार पीट करके घूसा थाप लात मार के जबरदस्ती से ले गई अपने घर ले जाए गए, मुझे दाब दिया, मुझे वो गोली मारी है। क्या मामला है ये? चार महीना पहले मेरी पत्नी भी ले गई, फिर दो महीना पीछे मेरे घर में आग टेक गई, मेरा घर बजा दिया पूरा। और घर पजारने के बाद अब मैं अपने रिश्तेदारी में जा रहा था कूड़ा फेरे, और पता लग गया कैसे मुझे रास्ता में तो उठा के ले गया अपने गोली मार दी। टेलीफोन पूछ रहा हूँ जी, एक व्यक्ति कुदरना में गोली चल रही है, जिस पर थाना बसीडांगा से रवाना हुए कुदरना पहुँचू, यहाँ पर एक तुरक सिंह सरो भगवान सिंह गुजर नाम का एक व्यक्ति मौजूद मिला, जिसने बताया कि मेरा स्वयं का भांजा मेरे गोली मार गया, जिसका नाम पंजाब सिंह और उसका भाई भी साथ में, जो घायल अवस्था में था, जिसे लेके सदर जब बाड़ी हॉस्पिटल में आए भर्ती कराया। अच्छा, उसने गोली क्यों मारी, इसके क्या कारण बताया इसमें? मैंने कहा कोई औरत का मामला चला रहा है, इनकी पत्नी का मामला था, पत्नी का मामला है। नहीं, ये सुनने में आया कि इनकी पत्नी को ले गया था, वही विवाद चला रहा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।